नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दिल्ली के गाजियाबाद में बदमाशों का छाया कहर, जब पुलिस ने दबोच लिया है। यह मामला देह व्यापार से जुड़ा हुआ है। जब पुलिस ने युवती समेत कुछ लोगों को पकड़ा तो उन्होंने थाने में आकर उत्पात मचा दिया। आरोप है कि शराब के नशे में चूर एक युवती और उसके साथियों ने ये हंगामा किया है, जो संदिग्ध हालत में मिले थे। पुलिस ने उन पर FIR दर्ज किया। कांग्रेस के लिए इंदौर की विधानसभा सीट मुसीबत का सबक बन गई है। दरअसल गोलू अग्निहोत्री ने गुरुवार को पार्टी द्वारा निर्णय नहीं बदलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दी थी। अभी मुहूर्त का फंदा में आगे से प्रत्याशी बनाया, खुशी है मेरे को। राहुल जी की प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अरे मैं लगातार 2 साल से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कांग्रेस का कार्य करता हूँ। कांग्रेस ऊपर से मुझे आदेश हुआ तो फॉर्म भरना है। संजीव, क्या लगता है जो बार बार ऐसा होता है, इससे नुकसान नहीं होता, पार्टी का नुकसान होता है? पहले हम छोटे छोटे कार्यकर्ता है, हमको इसके निवालों से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता है, आप उनसे बात करते हैं। मेरा ऐसा आज भी मानना है कि मुझे कांग्रेस में भरोसा है, राहुल गांधी में भरोसा है, माननीय कमलनाथ जी में भरोसा है, और साथ ही साथ दीपक बावरिया जी में भरोसा है। टिकट सिस्टम के तहत होता है। सिस्टम में आप लोगों के जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, जिसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन होता है, उसके 2 मेंबर्स होते हैं, और उसी के साथ साथ CLP लीडर जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो होते हैं, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। ये 5 लोग बैठ के तय करते हैं कि कितने नाम CEC में देखे जाना है। कई जगह अगर देखते हैं कि 2 पैरेलल कैंडिडेट उनको लग रहा है कि जीतने वाले हैं, तो वो CEC को 2 नाम पुट अप करते हैं, या उनको लगता है कि एक कैंडिडेट में नहीं कैंडिडेट है तो सिंगल नाम CEC को लेकर जाते हैं। CEC में 13 सदस्यीय दल बैठता पार्टी प्रेसिडेंट के साथ, कुल मिला के 18 सदस्यीय दल एक विधानसभा का, किसी भी विधानसभा का टिकट फाइनल करते हैं। अगर किसी भी केस में आपको रिव्यू की परमिशन देना है तो उसके लिए पार्टी अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है, और उसी के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और जो 5 सदस्यीय दल उसके साथ, चाहे PCC चीफ हो चाहे अन्य लोग हो, वो दस्तखत करके देते हैं। उसके बाद केस रिव्यू होता है, पुनः वो CEC में जाता है, उसके बाद टिकट चेंज होता है। लेकिन मेरे प्रकरण में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। सुरेश पचौरी जी ने अपना जो भी खेल जमा जुमू करके अहमद पटेल जी के माध्यम से ये नाम चेंज करा दिया है। मुझे अभी भी ऊपर से इशारा है कि आप बी फॉर्म के साथ अपना फॉर्म जमा कीजिए, पार्टी आपके साथ अन्याय नहीं करेगी। शादी के लिए रवाना हुई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसको सभी को इंतजार था। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 14 नवंबर को होने वाली अपनी। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।